अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम लर्निंग। कल पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 25 जून को, उसका रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट कैसे चेक करना है इसके मुतालिक मैं आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली आप लोगों तक तमाम अपडेट्स पहुँच सके। तो अगर आप लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पॉडकास्ट पर आएंगे और तकरीबन 27 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और 27 वीडियोस में जिसमें दो पास्ट पेपर्स जो रिसेंटली पेपर्स हुए थे PUK जिसमें CSP का पेपर था और PUE के मॉर्निंग के दोनों के पेपर मैंने आप लोगों तक सोल्व विद की आप लोगों तक अपलोड किए हैं, सोल्यूशन भी अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह जल्दी उनके कम्प्लीट आप लोगों तक एक बार फिर मैं एक लेंथी वीडियो बनेगी उस पर मैं आप लोगों को मुकम्मल अपडेट दे दूँगा। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोग रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों ने सेकंड एडमिशन टेस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप लोगों के सामने एडमिशन ओपन हो जाएगा। एडमिशन नोटिस जो होगा ओपन होगा तो आप लोगों ने कैसे करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है तो आप लोगों ने ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आप लोग इस पर अप्लाई की ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अप्लाई का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था जो कि एक वीडियो कंप्लीट बनी हुई है 20 से 25 मिनट की, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो उसके ऊपर मैंने कम्प्लीट आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने रिज़ल्ट कैसे चेक करना है तो आप लोगों ने यहाँ एग्जामिनेशन के ऊपर आना है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। एग्जामिनेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ जो रिज़ल्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ कल पहला जो होगा वो आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से अपडेट हो जाएगी कि आप लोगों ने यहाँ टेस्ट चेक करना है, अपना रिज़ल्ट चेक करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो BA BSc के जिससे ये पार्ट्स ओपन हो गए हैं, तो इसी तरह आपके भी पार्ट्स ओपन हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल रिज़ल्ट आप लोगों का आएगा और रिज़ल्ट के बाद आप लोगों का जो रिज़ल्ट है यानी 14 जुलाई को वो लास्ट डेट है अप्लाई की, इसकी 14 जो सेकंड टेस्ट हो रहा है वो 14 जुलाई तक आप लोग दे सकते हैं। तो 25 जुलाई को या 24 जुलाई को आई थिंक आप लोगों का पेपर है, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को आई थिंक आप लोगों का पेपर है, वो मैं भी देख रहा था।